सबसे पहले आप यहाँ आए थे, इसलिए आप अंदर आइए। आराम से। राम जी भला करें। बेटा कोलकाता का दबा दे दे, थोड़ा जगह देना मेरे को बैठना है, साई को पास से देखना, थोड़ा जगह दो। यो कडोल फूला फूल, चल सही। एक साल पहले पैर में चोट आई थी, तब से पैर में बहुत दर्द है, चल भी नहीं पाता है। बैठो। बैठ बैठ। आ। बैठ। आ। आ। डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई खड़े हो जाओ। अब बेटा आप रहने दीजिए। कोशिश करो बेटा, चलने की कोशिश करो। ओ जिसके हृदय में
करुणा मैं जो सर्वोपरि हूँ, निर्बल का जो बने सहारा हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। मेरा बेटा चलने लग गया साईं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम 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 ओम साई राम। पंता जी, बिक्री पहले ही कम हुई है, आज पैसा मत लीजिए ना। मैं तो वसूली करने का काम छोड़ चुका हूँ, मैं तो बल्कि आपसे माफी मांगने आया था। मैंने बहुत परेशान किया आपको। भाव, मुझे ना एक पपीता, 6 केले और मुस्कुरा क्यों रहा है? चल पैसे निकाल। अभी तो आपने कहा था कि ये अब मेरे साथ नहीं है, मैं अब अकेले वसूली करता हूँ, समझा? चल पैसे निकाल। सद्दा जी, इनसे पैसे मत लीजिए, ये गलत है, पाप है। आप इन्हें पैसे मत। पैसे कैसे नहीं देगा? पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। नहीं, पैसे मत देना। उसकी नहीं, मेरी सुन, निकाल। इनकी बात नहीं, मेरी सुनो। पहले तो आप दोनों तय कर लीजिए, पैसा देना है या नहीं। सुधा जनता जी, पहले सरकार ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है, उन्हें तो हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जो हम अपने लिए अलग से हफ्ता लेते थे वो तो बंद कर सकते हैं ना। वैसे भी सरा सोचिए, अगर आप ऐसे ही हरकतें करते रहेंगे तो आपको कैसे अच्छी लड़की मिलेगी? बस कीजिए पंता जी, पहले ही आपने शादी शादी करके मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया, अब मैं और नहीं बनूंगा। क्यों सुधा, तुम ही बताओ, अगर सत्ता जी लोगों से पैसा छीनना छोड़ दे, अच्छे काम करे, तो इन्हें अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है? क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। संता जी, हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति नेक हो, अच्छे काम करता हो, ईमानदारी की जिंदगी जीता हो। सच? और क्या, उदाहरण आपके सामने है। सोचिए आपको क्या चाहिए, पैसे या पत्नी? पत्नी, मुझे पत्नी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? पैसे नहीं लेना है, नहीं लूंगा, अपने लिए एक पैसा वसूल नहीं करूंगा, लेकिन आपकी तरह कुलकर्णी सरकार की नौकरी भी नहीं छोड़ूंगा। उनका काम करने में मेरा एक अलग ही रुआब है। चला। अप्पा, मेरे को यहां से जाना है, जल्द से जल्द यहां से निकलना है। एक ही दिन में शिरडी से मन भर गया? साईं, आप अंदर आइए। आपको मिलने के लिए हम सब मद्रास से आए हैं, लेकिन ये सब कुछ हो गया। साई, मेरे को समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। द्वारका मई में जाके मैं नृत्य किया और मेरे को याद भी नहीं, मेरे को बहुत शर्म आता। इसमें शर्माने की क्या बात है,
और ना ही चिंता की कोई बात है, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन साई, रेवती तो कभी नृत्य सीखा भी नहीं, इसको तो नृत्य पसंद भी नहीं, फिर इतना अच्छा नृत्य कैसे? ये बात तो हमको समझ नहीं आया साई। इसका जवाब तो रेवती के मन में ही है। मैं क्या बोलू, मेरे को तो खुद को नहीं पता मैं वहां जाके क्या करके आई। नृत्य, नृत्य मैं कैसे किया नृत्य? मेरे को तो नृत्य अच्छा भी नहीं लगता। फिर मैं ऐसा कैसे किया? बहुत अशांति है तुम्हारे मन में। बाबुराय मनवा तेरा उलझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने न पाए। साईओ साईओ, अब तुम यहां आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मुश्किल अगर तन या मन में है तो उससे भागा नहीं जा सकता। शिरडी छोड़ के जाना समाधान नहीं है, क्योंकि जो यहां हुआ वो और कहीं भी हो सकता है। समाधान है उसका सामना करने में, और सामना तभी संभव है जब जो हुआ है उसे तुम स्वीकार करोगे। कुछ दिन यहीं रुक जाओ, राम जी भला करेंगे। लेकिन साई, ऐसा कैसे कि रेवती को कुछ भी याद नहीं? दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता है, और मन को तो सब पता होता है, सब याद रहता है, लेकिन कब कहां याद आना है इसका फैसला तो राम जी पहले ही कर चुके हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।